हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? मैं एक्चुअली इसी तरह टहल रहा था, ठीक है, तो मैंने सोचा कि देखते क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ चेंजिंग वेंजिंग आए कि नहीं। तो एक चीज़ मुझे लगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ कि स्ट्रीट फूड में क्या सीन है, चेन्नई में खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं कि नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ इडली वड़ा यही सारी चीज़ें मिलती हैं। बोला चलो, मतलब इत्तेफाक से मुझे एक बहुत तगड़ा सा मार्केट टाइप दिख गया, ठीक है। बेसिकली मार्केट क्या होता है, कपड़ों का मार्केट होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं, चूड़ियों का मार्केट होता है, लेकिन मुझे मिला खाने का मार्केट, मतलब अलग अलग टाइप का खाना, ठीक है, और भी चीज़ें, मतलब है कि हाँ एक ब्लॉग बना सकते हैं, एक्सप्लोर करा सकते हैं। तो ये देखिए, ये गली है, ये अन्ना नगर वाला रोड है, मतलब सामने में आपको मिल रहेगा मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा पहले है ये, ठीक है। तो अंदर चलते देखते क्या क्या है। तो ये देखिए, सैंडविच वैंडविच का हो गया, ये अलग अलग टाइप का चिकन का, ये देखिए ग्रिल चिकन, और ये पास्ता वास्ता का हो गया। ये अंदर का एम्बियंस बहुत तगड़ा है गाइस, मतलब सही है, ठीक है। डोसा वोसा का हो गया, अलग अलग टाइप का डोसा है, ये मिल्क शेक का आइटम हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये सबसे तगड़ा चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब नॉन वेजिटेरियन पर्सन के लिए, ठीक है, ये जन्नत है जगह समझ लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, वो सीरियसली मतलब हर तरह की चीज़ें, जो भी चीज़ आप खाने के लिए खोजिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, ठीक है। सही है यार, मतलब बैठने बैठने का भी पूरा इंतज़ाम है, या आइसक्रीम का हो गया, पूरी तरीके, मतलब बाहर भी है, ठीक है, आप देखो तो बाहर भी और अंदर भी है, चारों तरफ बैठने के, ठीक है। एम्बियंस भी अगर देखोगे तो बहुत तगड़ा है, ठीक है। ये देखो बाहर का मतलब क्या है, इतना मैं डीप में तो आया नहीं हूँ, मतलब समझ लो रेस्टोरेंट यहीं पर। ये टर्किश आइसक्रीम का भी है, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर कहा जाए तो ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं कि नहीं चेन्नई में मतलब मज़ा नहीं है, मतलब अगर चेन्नई और बैंगलोर में कंपेयर करेंगे तो बैंगलोर में ज़्यादा फैसिलिटीज है, ऐसा नहीं है भाई, चेन्नई में भी बहुत तगड़ा है, ठीक है। आप खोजोगे तो मिलेगा ही, सारी चीज़ें खोजने पर डिपेंड करती है, ठीक है, आप खोजोगे तो मिलेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि गर्मी वर्मी लग रही है, मतलब पंखे वंखे की भी इंतज़ाम है, ये हैंड वॉश, ठीक है, ये वॉश बेसिन, सारी चीज़ें, ये चिकन का मतलब ऑलमोस्ट सारा ये है। नहीं भाई, घूम के फिर से वहीं पे आ गए, लेकिन ठीक है यार, बैठने बैठने का भी इंतज़ाम है सारा, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कंजस्टर टाइप का, बैठने बैठने का भी पूरा इंतज़ाम है, ठीक है। हम बोला कि चलो आ ही गए हैं तो ब्लॉग भी शूट कर लेते, और जितना है मतलब जो भी चीज़ें छोटा बड़ा कम लेती जो भी एक लोग कर सकते हैं या दिखा सकते वो दिखा देंगे। आज इसलिए फ्री हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ काम नहीं है मुझे आज, ठीक है। मैंने बोला और ये ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब वॉकेबल डिस्टेंस है 500 मीटर, तो 500 मीटर तो चल ही सकते हैं ना, क्योंकि अब उतना भी नहीं चलेंगे तब तो फिर हो गया इतना। सही है, मतलब बैठने बैठने का भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये ऊपर पता नहीं पंखा का दादा, ये बैठने बैठने का भी इंतज़ाम है, ये सारी फैमिलीज अपने बच्चों के साथ सब बैठे हुए हैं, और एम्बियंस बहुत तगड़ा है गाइस। अगर कहेंगे कि नहीं कंजेस्टेड, ऐसा नहीं है, एम्बियंस हमें भी बहुत तगड़ा है, ठीक है। बाहर का भी है, मैं आपको बाहर का भी दिखाऊंगा, बाहर ज़्यादा कुछ नहीं है मतलब, बट हाँ कि जो लोग सिंगल आए खाएँ और निकल के वैसा है, और अंदर में उनके लिए जो एकदम मतलब पूरी फैमिली के साथ आते हैं, क्योंकि बेंच के सारे इंतजाम रहता है।